हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चार इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला टॉपिक होगा ज़ेनर डायोड यानी क्या, दूसरा होगा ज़ेनर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तीसरा है एवलांच इफेक्ट का मतलब क्या है, और आखिर में हम देख लेंगे कि ज़ेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम ज़ेनर डायोड से स्टार्ट करेंगे। तो ज़ेनर डायोड यानी क्या, वो एक स्पेशियल पर्पस डायोड है, वो पीएन जंक्शन का ही एक टाइप है, और ये ज़ेनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। अभी जो ज़ेनर डायोड है उसका सिंबल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही है कुछ कुछ, क्यों, वो टाइप है पीएन जंक्शन डायोड का। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कैसा देखा था, ऐसे ट्रायंगल और एक स्ट्रेट लाइन थी। तो यहां पे ये ऊपर की साइड आपको एक स्लांटिंग लाइन करनी है और नीचे की साइड एक स्लांटिंग लाइन कर देनी है, यहां पे पी और यहां पे एन लिख लेना है। अब ये जो ज़ेनर डायोड है वो हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही कनेक्ट किया जाता है। रिवर्स बायस यानी क्या, रॉन्ग कनेक्शन, माइनस प्लस, प्लस माइनस, यानी क्या कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया ज़ेनर डायोड का सिंबल। अब हमने पीएन जंक्शन डायोड में दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा था, करेक्ट कनेक्शन। करेक्ट कनेक्शन यानी क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, जो बैटरी का टर्मिनल है उसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल है उसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, जिससे करके डिप्लेशन लेयर कम होती थी, जिससे करके करंट का फ्लो होता था, सर्किट एक्टिव रहती थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग कनेक्शन यानी क्या, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। और ऐसा कनेक्शन करने पे, रिवर्स बायस करने पे क्या होता था, कोई भी करंट फ्लो होता नहीं था और हम बोलते थे डायोड इनएक्टिव है। अब कुछ तो करंट फ्लो होता था ये हमें भी पता है। तो यहां पे ये दो कैरेक्टरिस्टिक में से ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज़ेनर डायोड के लिए। क्यों, क्योंकि ज़ेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता है, इसलिए हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करेंगे। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कुछ ऐसा हमने बनाया था, ठीक है, जिसमें जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तब क्या होता था, कुछ माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता था, और ये माइक्रो एम्पियर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से होता था, वो डिफ्यूजन करंट की वजह से फ्लो होता था। अब पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते एक पोटेंशियल तक अगर उसकी वैल्यू बढ़ा दी, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सडनली करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सडनली करंट कैसे रिवर्स बायस में फ्लो होता है, हमने तो क्या पढ़ा है, नो करंट फ्लोज इन रिवर्स बायस, यहां पे कैसे करंट बढ़ गया, कैसे फ्लो होना शुरू कर गया। जैसे कि यहां पे रिवर्स बायस कंडीशन ड्रॉ करके रखी है, यहां पे ये प्लस यहां पे आ जाएगा, ये माइनस यहां पे आ जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो चार्ज है उसको ज्यादा फोर्स से खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल ये जो होल्स है यानी पॉजिटिव चार्ज है उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट होंगे, यहां से होल यहां अट्रैक्ट होंगे, यानी पोटेंशियल बढ़ाने पर ये जो डिप्लेशन लेयर है वो तो बढ़ता जाएगा। अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ता गया तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो हमारा बैरियर है उसको क्रॉस करके पी टाइप में एंटर करेंगे, कैसे करंट का फ्लो होगा, तो वो बात यहां पे समझेंगे। यहां पे रिवर्स बायस में कैसे करंट फ्लो होता है उसके दो रीजंस है, पहला रीजन है ज़ेनर इफेक्ट और दूसरा रीजन है एवलांच इफेक्ट। तो पहले ज़ेनर इफेक्ट हम देख लेते हैं कि कैसे रिवर्स बायस में ये डिप्लेशन लेयर बढ़ने पर भी कैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आके करंट बनाता है, कैसे करंट का फ्लो बढ़ता है। तो ज़ेनर इफेक्ट के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी, कि जो भी आप पी टाइप और एन टाइप में इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो वो इंप्योरिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो यू हैव टू इंक्रीज द इंप्योरिटी। इंप्योरिटी बढ़ाने से क्या होगा,
तो हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पर यहां पर एक होल एक्स्ट्रा आता है, यानी इंप्योरिटी बढ़ाने पर होल बढ़ते जाएंगे। यहां पे एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अंदर मिक्स करते थे, अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करी ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री आता था, यानी इंप्योरिटी बढ़ाने पर होल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, होल बढ़ने पर डिप्लेशन लेयर यहां शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर डिप्लेशन लेयर यहां शिफ्ट होगा, यानी डिप्लेशन लेयर कैसा हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हुआ क्यों, इंप्योरिटी हमने बढ़ाई इसलिए। अब डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हुआ तो क्या फायदा हुआ, डिप्लेशन लेयर अगर डिक्रीज हुआ तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जंक्शन के पास बढ़ जाएंगे। अब डिप्लेशन लेयर कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ा वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट दूर दूर रखे हैं तो इतनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, जैसे पास लाए यानी डिस्टेंस कम किया तब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा आपको लगेगी, जिससे करके मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, जिससे करके मैग्नेट चिपक जाएगा या दूर चला जाएगा। इसी तरीके से यहां पे भी डिप्लेशन लेयर कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना वो भी बढ़ा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, होल्स पे लगेगा, जो भी जंक्शन के पास में है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बहुत कम है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट करके जुड़े हुए थे वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा। उसी तरीके से ये जंक्शन के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, जिसके कारण ये पी टाइप में भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, यानी यहां पे हमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा मिलेंगे, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बॉन्ड के टूटने के कारण, यानी चार्ज कैरियर बढ़ते जाएंगे। और ये इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं 12th में, इसके हिसाब से ये n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़े तो जो करंट का फ्लो हुआ वो भी बढ़ेगा, इस तरीके से सडनली करंट का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसे हम जेनर इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो जेनर इफेक्ट है वो कम पोटेंशियल पे होगी, क्यों कम पोटेंशियल पे करंट फ्लो होगा, क्योंकि जेनर इफेक्ट में हमने क्या देखा, डिप्लेशन लेयर कैसा है, बहुत कम है, अगर डिप्लेशन लेयर कम है तो पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा, अगर पोटेंशियल बैरियर कम है तो थोड़ा सा पोटेंशियल देने पर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा बना देंगे, जैसे कि डिप्लेशन लेयर कम है तो पोटेंशियल बैरियर सिर्फ और सिर्फ इसका सपोज कर देते हैं 2 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, यहां पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, जिससे करके करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब हम समझ लेते हैं एवलांच इफेक्ट के बारे में, जेनर इफेक्ट के बारे में क्या देखा, इंप्योरिटी बढ़ाई होल बढ़े, यहां इंप्योरिटी बढ़ाई इलेक्ट्रॉन बढ़े, डिप्लेशन लेयर कम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जंक्शन के पास बढ़े, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने ये जंक्शन के पास के जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिए, जिससे करके फ्री चार्ज कैरियर बढ़ गए, जिससे करके करंट का फ्लो बढ़ गया कम पोटेंशियल पे, क्यों, डिप्लेशन लेयर कम है, क्यों, इंप्योरिटी ज्यादा है, इसलिए यहां पे पोटेंशियल बैरियर कम है। ठीक है, अब एवलांच इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं, एवलांच इफेक्ट में भी एक कंडीशन है, जेनर इफेक्ट जैसी जैसी, एवलांच इफेक्ट में ये कंडीशन है कि जो भी हमारा इंप्योरिटी है पी टाइप और एन टाइप में वो हमें कम करनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखा है इंप्योरिटी कैसे करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, अगर इंप्योरिटी कम करी तो पी टाइप में होल कम हो जाएंगे यानी डिप्लेशन लेयर यहां आएगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे यानी डिप्लेशन लेयर यहां आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये यहां पे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा इंप्योरिटी कम करने पर, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा क्या करने पर, इंप्योरिटी कम करने पर। ठीक है, अच्छा अब सपोज हमने 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट किया, 4 वोल्ट किया तो ये इसका पोटेंशियल बढ़ गया और खींचेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ गया और खींचेगा, यानी डिप्लेशन लेयर कुछ यहां तक आ गया। ठीक है, 4 की जगह 6 वोल्ट किया और फोर्स बढ़ा ये डायरेक्शन में। ठीक है, तो सपोज करते हैं यहां आ गया डिप्लेशन लेयर। ठीक है, यानी कि यहां पे अभी कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये रब कर देता हूं इतना पोर्शन। ठीक, अच्छा और हम बढ़ाएंगे ये पोटेंशियल सपोज 8 वोल्ट कर दिया, 8 वोल्ट कर दिया तब ये डिप्लेशन लेयर यहां पे आ गया। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर
यहां तक आ गया, ठीक है। अब 8 वोल्ट पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि डिप्लेशन लेयर का जो ये लेंथ है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो डिप्लेशन लेयर जा नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत दबे हुए हैं और यहां पे ये पॉजिटिव जो इसका टर्मिनल है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इस पे बहुत दबे हुए हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अगर गलती से ये एन टाइप का एक इलेक्ट्रॉन यहां से डिप्लेशन लेयर क्रॉस करके अगर पी टाइप में चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप में तबाही ला देगा। कैसे? यहां से फुल स्पीड में निकला, यहां पे आ गया तो इसके अंदर जो भी बॉन्ड है पी टाइप के, जो भी बॉन्ड है वो तोड़ना शुरू कर देगा। बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज, फ्री चार्ज कैरियर बढ़ गए, मतलब करंट का फ्लो इंक्रीज हो गया। जैसे कि अज्यूम करते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है एकदम दबे हुए हैं और ये इसको रिपल्सिव फोर्स दे रहा है ये डायरेक्शन में। सपोज ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिपल्सिव फोर्स ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। गलती से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अगर आ गया तो इसके पास ये जो डिप्लेशन लेयर की एनर्जी है वो भी एड हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की एनर्जी सपोज करते हैं 200 वोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर है, यानी एन टाइप में ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास 300 वोल्ट जितनी जबरदस्त एनर्जी होगी। और इतनी खतरनाक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पी टाइप के जितने भी बॉन्ड है सबको तोड़ना शुरू कर देगा, यानी फ्री चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये इफेक्ट को हम बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। अब दूसरी बात याद रखना, एवलांच इफेक्ट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होती है। क्यों हाई पोटेंशियल पे होती है? क्योंकि एवलांच इफेक्ट में क्या बोला था, इंप्योरिटी कम करे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ा, डिप्लेशन लेयर बढ़ा तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ा तो करंट को फ्लो कराने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूर पड़ेगी, ज्यादा रिवर्स वोल्टेज की जरूर पड़ेगी। यानी कि 8 वोल्ट पे करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो 2 वोल्ट पे हो गया था, क्यों? डिप्लेशन लेयर ज़ेनर इफेक्ट में कम था तो ये ज़ेनर इफेक्ट के कारण हुआ, और यहां पे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? डिप्लेशन लेयर ज्यादा है तब जाके ये फ्लो करेगा, इसे हम एवलांच इफेक्ट बोल देंगे। यहां पे इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल सपोज 8 वोल्ट के बराबर है। तो ये था ज़ेनर डायोड का मतलब और ज़ेनर इफेक्ट और एवलांच इफेक्ट का मतलब। अब हम ये ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी ज़ेनर डायोड वोल्टेज को कैसे रेगुलेट कर सकता है वो समझेंगे। हमें पता है कि हमारे घर एसी सप्लाई आता है और हमारे घर में कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो डीसी सप्लाई पे वर्क करते हैं, जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो गई। मोबाइल की बैटरी को कुछ 6 वोल्ट का डीसी सप्लाई चाहिए, ठीक है, यानी ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन ना बदलता हो। हमारे घर में कौन सा आता है, एसी करंट जो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, ठीक है। अब हमारे घर पे जो 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल आता है वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, उसकी एवरेज वैल्यू नहीं होती। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बीडब्ल्यू में डिटेल में हमने पढ़ा था, यहां पे डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ऐसे कुछ वेरिएशन वाला वोल्टेज आ रहा है जिसकी वैल्यू 220 वीआरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट के बराबर है। हमें चाहिए कौन सा, हमें डीसी चाहिए, आता कौन सा है, एसी। तो हमें पता है एक डिवाइस आती है रेक्टिफायर जो क्या करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। अब ये रेक्टिफायर नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। रेक्टिफायर ने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब करंट या वोल्टेज अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, यानी डीसी तो हो गया लेकिन फिर भी यहां पे कभी 2 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 6 वोल्ट, कभी 3 वोल्ट, कभी 1 वोल्ट, यानी वोल्टेज के वेरिएशन तो है। हमें तो वोल्टेज का वेरिएशन चाहिए नहीं, हमें तो वोल्टेज को रेगुलेट करना है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम एक ज़ेनर डायोड लगा देंगे जिससे करके ज़ेनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट रखेगा, कॉन्स्टेंट कर देगा, ठीक है। कैसे समझ लेते हैं, तो उसके लिए हम ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो गया इनपुट वोल्टेज सोर्स, जहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं। कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं, एसी वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। अब सीरीज में एक हम रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसे आरएस बोलेंगे, जिसमें से जो करंट फ्लो होगा उसे आईएस बोल देंगे, सीरीज में से फ्लो हो रहा है इसलिए आईएस। बाद में हम ये सोर्स के पैरेलल में एक ज़ेनर डायोड कनेक्ट कर देंगे, पीएन माइनस प्लस, यानी रिवर्स बायस। अब यहां पे हम ऐसे तो ये जो एसी है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है फ्रीक्वेंटली, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बोल देंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी एन टाइप
पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यानी हो गया हमारा रिवर्स बायस, ये जेनर डायोड लगा दिया। ये जेनर डायोड के पैरेलल में हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, यानी कि हमारी मोबाइल की बैटरी लगा देंगे, सपोज कोई एक अप्लायंस लगा देंगे जहां पे हमें ये जो आउटपुट वीओ यानी आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो कैसा चाहिए, कॉन्स्टेंट चाहिए। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज ये भी पता है हमें कि जब भी दो चीजें पैरेलल में होती है तब दोनों चीजों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है, यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वही यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। ठीक, अब सपोज करते हैं हमें यहां पे 50 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जेनर डायोड हम लेंगे वो 50 वोल्ट का ही लेंगे। क्यों, यहां पे 50 वोल्ट का लिया तो यहां पे भी 50 वोल्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब ये सपोज करते हैं कि हमारा जो इनपुट सोर्स है वो 50 वोल्ट का है। अब 50 वोल्ट का है तो बट ऑब्वियस यहां पे 50 जाने वाले हैं, वहां पे 50 आने वाला है। लेकिन अगर इसमें वेरिएशन आया, वेरिएशन यानी 50 पे से सपोज 100 वोल्ट हुए, तब क्या होगा, जब ये 100 वोल्ट होंगे तब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी प्रोपोर्शनल टू आई, अगर पोटेंशियल बढ़ा तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी ये दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो भी बढ़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होता है, IR होता है। यहां पे पोटेंशियल बढ़ा करंट बढ़ा, आर तो कांस्टेंट, करंट बढ़ गया यानी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया, यानी पोटेंशियल वेस्ट हो गया। कितना पोटेंशियल ये वेस्ट कर देगा, जितना बड़ा है उतना, 50 में से 100 हुआ यानी 50 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, और बचा कितना, 50 वोल्ट जो यहां से जाएगा सेम पोटेंशियल यहां पे मिल जाएगा। दूसरी तरीके से देखते हैं, जैसे कि 50 का सपोज हम बोलते हैं 80 वोल्ट हुआ। ठीक है, 50 का 80 हुआ, वापस से क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा 50 से 80, करंट बढ़ा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, कितना पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, तो जितना बढ़ा उतना ये खा जाएगा। 50 से 80 हुआ यानी 30 का पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आ जाएगा, यानी यहां पे 80 बढ़ा तो 80 में से 30 गए तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 यहाँ पे भी 50 रहेगा, यानी कि ये जेनर डायोड क्या कर रहा है, पोटेंशियल को कांस्टेंट दे रहा है, यानी वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा है। तो इस तरीके से जेनर डायोड यूज होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसमें कुछ इक्वेशंस है वो आपको लिखने पड़ेंगे। कौन से इक्वेशंस, कि अगर हम केवीएल की बात करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेकंड लॉ की बात करें, तो वो लॉ में क्या था, हम एक लूप कंसिडर करते थे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक लूप कंसीडर करते थे और हम बोलते थे कि समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल अक्रॉस द लूप इज जीरो, सारे जो पोटेंशियल है ये लूप के अराउंड उसका समेशन जीरो के बराबर। तो यहां से ये साइड पहले जाते हैं, लूप ऐसे जा रही है तो कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी वोल्टेज गेन हो रहा है, यानी वी आई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वी आई पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, अब लूप ऐसे है तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाने पर क्या होगा, करंट के फ्लो का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन रेजिस्टेंस में सेम है। जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तब हम पोटेंशियल ड्रॉप मानते हैं IR के बराबर और नेगेटिव साइन लिखते हैं, तो माइनस ISRS लिख लिया। ठीक है, अब यहां से ऐसे डाउनवर्ड गए तो ये डाउनवर्ड यानी क्या, प्लस टू माइनस, यानी प्लस से माइनस, यानी पोटेंशियल घट रहा है, यानी ड्रॉप आया, यानी माइनस साइन क्या, VO जो यहां पे लगेगा, तो माइनस VO, VI को सब्जेक्ट बना दो तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब यहां पे ये जो IF है ये करंट डिवाइड हो रहा है, यहां पे ये करंट जा रहा है जेनर डायोड में और बाकी का करंट जा रहा है लोड रेजिस्टेंस में, तो हम लिख सकते हैं IF इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL, तो IF की जगह हमने लिख लिया IZ प्लस ILRS प्लस V0, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब ये जो जेनर डायोड है उसके कुछ एप्लीकेशंस है जो याद करके जाना, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर देख लिया, एज अ रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस, कॉन्स्टेंट करंट सोर्स विथ ट्रांजिस्टर में यूज होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में इसको यूज करते हैं, और क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट होती है उसमें भी यूज करते हैं, तो ये हम देखेंगे इन लेटर ऑन लेक्चर। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।